से छोटे गुनाह से बचते थे। आइए वाकया सुनिए। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ने एक मरतबा इख्तलाफ की बुनियाद पर किसी मसले में नबी की जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक को बुरे अल्फाज कहे, बुरे अल्फाज कहे। अबू बकर सिद्दीक रजी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जवाब नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल उमर ने मेरे साथ ये सुलूक किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े और कहा, लोगो तुम अबू बकर के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकते, जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी, अबू बकर ने मेरी गवाही दी, जब सारी दुनिया ने मुझे झुठलाया, इसने मेरी सदाकत की, इसने मेरी सच्चाई को माना है ना, तुम कैसे बोल सकते। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह की जब फजाइल सुनी, और इब्न खत्ताब वैसे ही नादिन थे लेकिन और नादिन थे, और आकर कहा कि अबू बकर वो अल्फाज तुम मुझे अदा कर, वापस मुझे जो है बोल दो, जो अल्फाज मैंने तुमको बोले, जो बुरे अल्फाज जो मैंने बोले थे तुम बोल दो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर मत बोलना। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, वो कह रहे थे कि मैं उमर तुमको जवाब वापस नहीं दूंगा, और उमर इब्न खत्ताब ज़ारो खतार उनका हाथ पकड़ के रो रहे थे कि अबू बकर इस मसले में तू मुझे वापस जवाब दे के मुझे माफ़ कर दे, और वो कह रहे थे मैं जवाब नहीं दूंगा, और अल्लाह के रसूल कहते हैं अबू बकर जवाब मत देना वापस करता, मतलब उनसे खता हुई और वो चाहते हैं वो खता ही माफ हो जाए। ऐसी कितनी खताएं आप किसी और से छोड़िए, अपने वालदेन से करते हैं, वालदेन का मुकाम क्योंकि अल्लाह उसके रसूल की बात दुनिया में ही नहीं कहता, फिर बाकी सारे तो उसके बाद वालदेन से तेरी बात कर रहे हैं, झिड़क रहे हैं, छिड़ रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, बूढ़े वालदेन से कह रहे हैं कि खास खास के हम हमारी दिन आराम करते हैं, फलां करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, पर अजीब गरीब निकाल। वालदेन से अलग रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वालदेन का हक अदा ना करना ये बुरी चीज़ है। होता है इंसान अलग रहता है, वो बुरा नहीं है, उनके हक अदा ना करना, उनकी फिक्र ना करना। इसलिए याद रखिए, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो बूढ़े और बच्चों में फ़र्क नहीं होता है, दोनों की कंडीशन एक जैसी होती है, सिर्फ फर्क ये होता है कि बूढ़ा इंसान बड़ा होता है साइज में और बच्चा छोटा होता है, अकल का दोनों का पैमाना एक जैसा हो जाता है। एक उम्र में समझता नहीं आदमी, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, कहीं बोलता है तो सुने नहीं आता है ना, लेकिन जब हम नहीं बोलते हैं और उनको सुने नहीं आता है तो हमसे पूछते जी बेटा बोलो, और जब वो बोलते हैं और हमको समझ में नहीं आता, हम बोलते हैं अब्बा बोलो ना, सीधा बोलना भी नहीं आता कि तुम। ये तो सहाबा आपस में कुछ बोल दिया था, ऐसे अल्फाज जो चुभे अबू बकर सिद्दीक के, अच्छे नहीं थे, इसे कंप्लेन कर दिया अल्लाह के रसूल की, अबू उमर ने ऐसा किया। हम लोग पता ना जाने कितना करते थे, किसी भी छोटे से छोटे गुनाह को वो लोग मामूली नहीं समझते थे, और हर गुनाह को ये समझते थे जहन्नुम में ले जाने की वजह बनेगा। अस्सलामु अलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।